स्वागत करते हैं पूरा नागपुर नहीं पूरा देश और पूरे शहर और शहर जो है इस वक्त उल्लास के साथ उमंग मना रहे हैं। मौका और दस्तूर भी कुछ ऐसा ही है। जी हां, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का माननीय प्रधानमंत्री के हाथों आज शिलान्यास हुआ है। बराबर 12:44 और 8 सेकंड पर का जो मुहूर्त था उस मुहूर्त पर इस अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि स्थान का शिलान्यास हुआ है। नागपुर भी इससे कुछ अछूता नहीं है। पूरा जल्लोष जो है इस वक्त नागपुर में अभी भी दिखाई दे रहा है। जो आवाजें आप हमारे पार्श्वभूमि में सुन रहे हैं ये बड़कस चौक की आवाज है जो नागपुर से है। और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय मीरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ वहां पर मौजूद है, जहां पर बेहतरीन तरीके से जो है जल्लोष मनाया जा रहा है। आज जो शिलान्यास हुआ उसके पश्चात जो यहाँ पर धूम धड़ाका हो रहा है, नागपुर की जनता इसे बेहतरीन तरीके से प्रतिसाद दे रही है। क्या स्थिति बन रही है वहां की, किस तरह का जल्लोष है वहां पर, सीधा चलते हैं संजय मीरे जी के पास में। संजय जी। जी सर। काफी जल्लोष दिख रहा है वहां पर, बैंड वगैरह की आवाजें, नगाड़े बज रहे हैं, क्या कैसी स्थिति बन रही है? लोग भी काफी दिख रहे हैं आपके पीछे में। जय श्री राम की गूंजे गूंज उठ रही है। बिल्कुल सर, जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र सराबोर उठा है और पूरे जय घोष से पूरा ये जो क्षेत्र है पूरा पूरी तरह से मतलब काफी आनंद दिखाई दे रहा है। जी। समय में शाम के 7 बजने को है, 7 बजे 7:15 के दौरान यहाँ पे कुछ प्रोग्राम अरेंज किया गया। थोड़ी देर में यहाँ पटाखों की आतिशबाजी होगी, महाआरती होगी। जी। थोड़ा अब हम आइए सीधा लेके चलते हैं, बताते हैं, थोड़ा बैठ करके बताइए किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ की जा रही है। जी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ भी काफी महिलाओं की है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो जो लोग वहाँ पे कार सेवा करके गए थे उन लोगों का सम्मान सत्कार भी इसी चौराहों पर यानी बड़का चौक पे होने वाला है। वे लोग आ चुके हैं। जी। और पूरी तरह से देख सकते हैं कि यही बड़का चौक है जो शहर का ऐतिहासिक एक चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे विधान परिषद के विधायक गिरिजी व्यास, संजय भेंडे, ये तमाम मान्यवर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी। दीप यहाँ आरती उतारी जाने वाली है, ढोल से लेके संदल से लेके तमाम तमाम कामकाज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वही हम आपको बता सकते हैं कि ये जो सड़क है आने जाने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, यातायात सुचारू ढंग से जारी है। इतना ही नहीं तो यहाँ पे पुलिस का 4-4 बंदोबस्त भी किया गया है। आरती शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि वहां पर गिरीश व्यास जो विधान सभा के जो आमदार है भारतीय जनता पक्ष के, वहां पर महाआरती जो बड़कस चौक में आप इस वक्त ये जो दृश्य आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य आपको बता रहे हैं कि बड़कस चौक में जो है महाआरती की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। पर्व है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, जहां पर शिलान्यास हुआ है। हमारे संजय, हमारे वहां के संवाददाता जो है बड़कस चौक पर वहां पर तैनात है कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ में। ये दृश्य जो हमारे दर्शक इस वक्त BCN पर लाइव देख रहे हैं, वे लाइव चल रहे हैं बड़कस चौक पे, जहां पर महाआरती इस वक्त की जा रही है। मान्यवर वहां पर मौजूद है। श्री गणेश जी की आरती यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है। जी, गणेश जी की आरती से जो है महाआरती की शुरुआत वहां पर की जा रही है। यहाँ पे तमाम मान्यवर लोग मौजूद है जो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे 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 यहाँ पे राम भक्त इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी क्षणों में यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे राम भक्त इस रामलला के दर्शन करने दूर दराज से पहुंच रहे हैं। और जहाँ मैं चौक की बात करूँ तो पूरी सजावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, रोशनी से मानो जैसे ये अयोध्या नगरी जैसा एहसास हो रहा है। पूरी तरह से बड़का चौक राम राज्य में जहाँ राम जी का अभिषेक हुआ था, कुछ उसी तरह का माहौल यहाँ पर आज दिख रहा है मीरे जी। बिल्कुल, उससे बिल्कुल ऐसा कहा तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की एक आस्था एक जुड़ चुकी है और करोड़ों लोग राम लला के दर्शन करने के लिए जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में लोग बड़का चौक में आके यहाँ पे अपनी हाजिरी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आरती हो रही है, शंख का निनाद भी होते हुए दिखाई दे रहा है, एक तरफ संदल बज रहा है, ढोल ताशे नगाड़े भी बज रहे हैं, बड़ी संख्या में महिला भी आए हुए है, छोटे बच्चे भी आए हुए है, हर कोई यहाँ पे जल्द से जल्द अपने हाथों से आरती करके
अपने हाथ में लगाना चाहते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर महाआरती संपन्न हो चुकी है। महाआरती का भी वहां पर जो है पर्व चल रहा है। सभी जो वहां पर नागरिक गण मौजूद है उत्साह के साथ में वहां पर मौजूद है। सभी अपना अपना वहां पर उपस्थिति जो है आरती में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ संजय, अब हम आपको कुछ अलग दृश्य बताना चाहेंगे। ये तो एक छोर था, अब हम दूसरी छोर के और जा रहे हैं। आइए जी, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पे आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम करके बताइए कि ये तमाम लोग यहाँ पे आरती करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे श्रद्धा भाव से इबादत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पे शंकर का मीनार, जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि वहां पर एक युवा वर्ग है। जो युवा वर्ग है, दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, इस वक्त जो आप देख रहे हैं युवा वर्ग है वहां पर, जो शंख के निनाद से जो है एक आगाज कर रहा है कि एक नई शुरुआत जो है भारतवर्ष में हो चुकी है। श्री राम जी की आरती यहाँ पर की जा रही है। श्री राम जय राम के नारे यहाँ पर जो है, नारों से पूरा क्षेत्र सराबोर उठा है। हर यहाँ की जो इमारतें है पूरे विद्युत रोशनी में नहा चुकी है। यहाँ पे धीरे धीरे एक खूबसूरत नजारा जो है, एक पवित्र नजारा जो है वहाँ का बन रहा है बड़कस चौक का। आप देखेंगे हर चौराहों पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिस ऊपर में लाइटिंग भी की गई है, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये इस चौक को मानो एक दुल्हन जैसे सजाया गया है। तो ये दर्शकों को हम बता दें कि संजय मीरे जो है वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त बड़कस चौक का ये नजारा है, बहुत खूबसूरत नजारा वहां पर दिख रहा है। वहां पर महाआरती की जा रही है, श्री राम के जय घोष और भजन मंडली भी वहां पर मौजूद है, जो पूरे तल्लीनता के साथ में श्री राम जी के नाम का जय घोष वहां पर हो रहा है। विद्युत रोशनी बहुत खूबसूरती से जो है बड़कस चौक को सजाया गया है। आज सुबह से हम दर्शकों को बता दें कि वहां पर कार्यक्रमों की रेलचेल थी, भजन पूजन के साथ में पूरी तरह से राम मंदिर है वहां पर, राम मंदिर में पूजा अर्चना की गई, प्रसाद बांटा गया वहां पर लोगों में। 12:44 पर जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शिलान्यास किया तो पूरा अयोध्या नगरी के साथ में पूरा देश और उसी तरह से संतरा नगरी भी झूम उठी है इस पावन पर्व को एक आज साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में जो है देखा जा रहा है। संजय, यह आरती तो हो रही है लेकिन दूसरी ओर शहर की यातायात को सुचारू ढंग से रखने के लिए पुलिस विभाग भी काफी अच्छा कामकाज कर रही है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है जी। और हर वाहन कोई भी यातायात प्रभावित न हो इसके लिए पुलिस विभाग भी काम करते करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पे आज COVID-19 के पार्श्वभूमि पर ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से वहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई वहाँ पर दुर्घटना ना हो, तो यातायात सुरक्षित रूप से चले, सुचारू रूप से चले, इसलिए भी प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं। एक कमी लेकिन संजय जी वहाँ पर जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। क्या ऐसे दृश्य है वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आरती का माहौल शुरू हो गया, आरती शुरू है तो लाजमी है कि लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग अपने मगन हो चुके हैं आरती में और आरती कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है क्योंकि यह आरती होती है तब इस प्रकार से, जब लोगों की भीड़ होती है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। बच्चे बूढ़े भी वहां पर मौजूद है, बच्चे बूढ़े भी वहां पर मौजूद है, वयस्क व्यक्ति भी और उसके साथ में कुछ बच्चे भी वहां पर मौजूद है जो हमें दृश्य में दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। आरती की आवाज इतनी है कि हमें बराबर आवाज में थोड़ा ट्रबल आ रहा है उसके जी, हम समझ सकते हैं संजय जी। वहाँ पर सारा जो समुदाय है वो इस वक्त राम धुन में तल्लीन है, सारे जो वहाँ पर जनता जितनी भी मौजूद है सब राम धुन में तल्लीन है। हम भी आवाजें वहां के सुन पा रहे हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, बारिश हुई है सर वहाँ पर संजय? वहाँ पर बारिश हुई, बारिश के क्या आसार है और बारिश का कोई परिणाम वहाँ के लोगों के ऊपर में दिख रहा है? सर आधा घंटे पहले में झमाझम बारिश हुई थी, अब बारिश रुक गई है लेकिन धीरे धीरे बूंदाबांदी का दौर अभी भी जारी है। थोड़ी देर में
बारिश जो है बड़ी बड़े पैमाने पे बारिश आ सकती है, लेकिन लोगों को इस बारिश से कोई लेना देना नहीं। एक से जब हमने बात किया तो उसने ये कहा कि बारिश आना ये शुभ संकेत है, मानो जैसे राम लला का वे स्वागत कर रहे हो। यानी भक्तों का गण का भी मानना है कि राम लला का जो आज जो शिलान्यास हुआ है अयोध्या में, उसके प्रति निसर्ग ने भी अपनी जो है उसके ऊपर में बरसात की है, बौछारें की हैं, और इसको भी लोग इसमें बरसात के मौसम में भी इसका उल्लास मना रहे हैं। बिल्कुल सही सही सर, क्योंकि बारिश ने भी दस्तक दी है, कहीं ना कहीं बारिश भी इस शिलान्यास को लेकर काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि जब जब नेचर ने साथ दिया और इस देश दुनिया के लोगों ने साथ दिया, तब तक इस देश की गरिमा बढ़ी है। और नागपुर ये सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, शांति एकता और भाईचारा अखंडता, यही नागपुर की आन बान और शान है सर। जी संजय जी, और किस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा वहां पर है, क्या क्या कार्यक्रम वहां पर लिए जाने हैं आज शाम पे? सर अभी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, आरती का दौर जारी है। जैसे आरती होती है तो पटाखों की आतिशबाजी भी होने वाली है सर। वो दृश्य भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे जब पटाखों की आतिशबाजी होगी। लेकिन इस वक्त जो हम वहाँ पर नगाड़ों की आवाज जो सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं कि एक अलग ही जोश और अलग ही उल्लासपूर्ण वातावरण नागपुर के बड़कस चौक में, यहाँ पे हमारे दर्शकगण लाइव देख रहे हैं इन विशेष के माध्यम से। हम बता दें फिर से एक बार हमारे दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, बड़कस चौक का ये सुंदर सा नजारा है जहाँ पर आज अयोध्या में जो शिलान्यास हुआ है, तो इस तरह से देखिए कि आतिशबाजी की भी शुरुआत वहां पर हो चुकी है। ये नजारा लाइव हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इन विशेष के माध्यम से। अब देख सकते हैं कि बड़कस चौक में ये जल्लोष के साथ में एक बड़ी सी लड़ जो है पटाखों की, वहां पर जो है भक्तगण जो है ये युवा वर्ग जो है इसमें सम्मिलित है और पटाखों की आतिशबाजी की वहां पर शुरुआत हो चुकी है। एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है वहां से हमारे दर्शक जो है इन विशेष के माध्यम से यहाँ से लाइव देख पा रहे हैं। मौका है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास का, जो कि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों आज दोपहर 12:44 और 8 सेकंड पर हुआ है। ये खूबसूरत नजारा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं बड़कस चौक का। जी 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 संजय जी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जल्लोष का वातावरण है, पटाखों की आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं यातायात भी वहां पर अपने चरम पर है और पुलिस प्रशासन वहां पर चुस्त है, कोशिश कर रहे हैं कि यातायात सुचारू रूप से चले। लोगों में जो वहां पर उपस्थित है जो कि जल्लोष मनाने के लिए रामलला की जो जन्मभूमि का है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास की जो शुरुआत आज हुई है, उसका जल्लोष यहाँ पर मनाते हुए लोग हमारे बीच यहाँ पर नागपुर नगरी से दिख रहे हैं पटाखों की आतिशबाजी। और हम आप दर्शकों को बता दें कि आज बड़कस चौक में बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया गया था जिसके अध्यक्षता की थी गिरीश व्यास जी ने, जो कि विधानसभा के आमदार है नागपुर से। जी यहाँ पे संजय झंडे जी और गिरीश व्यास जी दोनों है। हम जी व्यास साहब ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हो और क्या क्या प्रोग्राम है अभी शाम के, क्या होने जा रहे हैं आगे के पश्चात? एक ही कार्यक्रम चल रहा है और वो प्रभु रामचंद्र का नाम लेने का, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर और शाम को उत्सव तय करना है, सुबह ही मैंने बताया था, उस हिसाब से आज यहाँ पर पूजा हुई। अयोध्या के बाबरी ढांचे को गिराने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग हुआ था वो सारे शस्त्र यहाँ पर रखे हैं, उनकी पूजा की गई और वो शस्त्र हमारी याद है कि कार्यकर्ता वहाँ गए बाबरी ढांचे पर। आप बताइए संजय जी क्या कहना चाहोगे? आज सारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, आज हमारे 500 साल के बाद भूमि का भूमि पूजन और एक भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। आज सारे देश में एक आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, नागपुर शहर में भी, पूरे नागपुर शहर में सारे चौराहों को सजाया गया, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लोगों ने श्रीराम का नारा लगाया और बहुत अच्छी तरह से फिर से एक बार 500 साल का कलंक मिटाकर जो 400 का वहां पर उन्होंने बलिदान दिया था
उस बलिदान का सही मायने में आज एक प्रकार से भव्य राम मंदिर बनने की ओर जा रहा है, क्योंकि हम सब आनंदित है और सारा देश इसमें आज आनंदित है। बिल्कुल सारा देश आनंदित है, कुछ महिला भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए क्या शाम के क्या प्रोग्राम है इसके अलावा? शाम के यहाँ पर आरती हुई है, पेड़े का वितरण हुआ, प्रसाद का वितरण हुआ, पटाखा शो होने वाला है। आप ये पूरा झकमगाहट देख रहे हैं, पूरा हमारा कितना रोशन हुआ है, आनंदमय वातावरण है आज के दिन। और कुछ कार सेवक जो गए थे मैडम, क्या उनका भी सत्कार? उनका सत्कार होने वाला है। बिल्कुल, कुछ जो कार सेवक उनका सत्कार होने वाला है। मैं एक एक चीज ये बता दूं कि जी उस दौर में जो कार सेवक गए थे, उन्होंने जो अपने पास जो चीजें लेके गए थे, जिससे वो जो मस्जिद एक ढहा गई थी, वो यहाँ पे रखे हुए हैं और फूल डाल के उनकी पूजा भी की गई है। और अब हम आपको पटाखा शो जो जारी है वो धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहा है, और हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। रत्नाकर सर जी, जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने। एक बहुत ही बेहद ही उल्लासपूर्ण वातावरण वहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर जो कार सेवा हुई थी, कार सेवा में सम्मिलित कुछ चीजों की वहां पर पूजन भी किया जा रहा है। और इसी प्रकार एक इतिहास को बदलते हुए और एक इतिहास को साक्षी करते हुए आज का दिन जो है नागपुर वासियों के लिए ही नहीं पूरे देशवासियों के लिए गुजर रहा है। एक बहुप्रतीक्षित आज का दिन था, जो सभी की नजरें लगी हुई थी कि कब राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा, कब इसकी शुरुआत होगी। लगभग 300 करोड़ की लागत से अयोध्या में फिर से एक बार जो है एक आगाज हो चुका है और यहाँ पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनके हाथों से जो आज शिलान्यास की शुरुआत हुई, शिलान्यास हुआ, उसके पश्चात पूरे देश भर में एक जल्लोष का वातावरण शुरू हुआ। नागपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। नागपुर के जगह जगह पर, कई जगहों पर जो है उल्लासपूर्ण वातावरण में आज का दिन जो मनाया जा रहा है, खुशीपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। उसी प्रकार बड़कस चौक में हमारे संवाददाता मौजूद है, संजय मीरे जी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ में, जहाँ का दृश्य हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। एक जल्लोषपूर्ण वातावरण वहां पर, फटाकों की आतिशबाजी भी वहां पर हो रही है। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि फटाकों के लट जो है बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर सड़क पर बिछाई गई और उसे ज्वलित किया गया। एक आनंद, एक पर्वणी जो है नागपुर वासियों के लिए और देशवासियों के लिए आज यहाँ पर जो है साबित हो रही है। संजय जी वहां पर मौजूद है। हाँ संजय जी। हाँ सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चौराहों पे तकरीबन 5 ऐसी सड़कें हैं जो अलग अलग मार्ग से ले जाती है जी। और सड़क पर अब लोगों का जमघट इतने बड़े पैमाने पे खड़ा हो चुका है। मैंने जैसे आपको शुरू के दौर में बताया कि धीरे धीरे राम सेवक, राम भक्त जहाँ जहाँ है वे इस पूजा अर्चना करने के लिए, आरती करने के लिए पहुँच रहे थे। कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ लोगों का आना बाकी है। इस समय में हजारों की तादाद में इस ऐतिहासिक बड़कस चौक पे लोग खड़े हैं, राम भक्त खड़े हैं। थोड़ा जानकर के बताइए, तो ये जो है हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़कस चौक में उल्लास का वातावरण है। काफी जनता वहां पर मौजूद है, ढोल ताशे नगाड़े वहां पर बज रहे हैं, पूरा माहौल जो है वहां पर भक्तिपूर्ण वातावरण में डूब चुका है। पूजा अर्चना महाआरती के साथ में इस पूजा अर्चना की शुरुआत हुई थी। राम दरबार की वहां पर एक बड़ी तस्वीर वहां पर स्थापित की गई है, उस मूर्ति के, उस प्रतिमा का विधिवत पूजन भी वहां पर किया गया, आरती की गई, आरती के पश्चात प्रसाद भी बांटा गया। मान्यवर वहां पर मौजूद है। सर ये बता कि जिस तरह से कार्तिक लोग जो उस जमाने में गए थे, जिन्होंने जो क्रांति का काम किया था, आज इतने वर्षों के बाद जो न्याय मिला है, क्या कैसा महसूस कर रहे हो आप? सर, कार सेवकों का क्या सम्मानित किया जा रहा है, किस प्रकार से सम्मान? कुछ नहीं, भावनाओं का सम्मान है, कार सेवकों का क्या सम्मान, भावनाओं का सम्मान। आप क्या कहना चाहोगे? जो राम मंदिर का जो भूमि पूजन आज हुआ है, वो हिंदू जनों के लिए बहुत अभिमानास्पद बात है। और उत्साह होता, बड़कस चौक मित्र परिवाराकडून जेही भक्तगण कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह होता,
त्या पद्धतीने आम्ही आमचं कार्य आशीर्वादाने पूर्ण केलं. बिलकुल, इन्होंने कहा कि ये जो कार्य आशीर्वाद से पूरा किया गया है और वो जो चीजें आप लोगों ने जो क्रांति की 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस चली, आखिरकार न्याय मिला और जिसके चलते शिलान्यास की नींव आज रखी गई थी. देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक कामकाज किया गया, चांदी की ईंट लगाकर जो शिलान्यास किया गया, उसी को लेकर आज पूरे भारतवर्ष के हर राज्यों के साथ शहरों में इस तरह का उत्साह और माहौल दिखाई दे रहा है. बड़कत चौक ये मध्य भारत के नागपुर का एक ऐसा केंद्र है जहां से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक बातें अक्सर होती है. ये चौक अपने आप में बहुत बड़ा चौक है क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हैपनिंग जो होती रहती है. रत्नाकर सर जी, बिल्कुल आपने बात सही कही. बड़कस चौक का भारत के नागपुर के इतिहास में एक अलग महत्व रहा है. कई ऐसे पर्व होते हैं जो बड़कस चौक में मनाए जाते हैं. हम आने वाले समय में मारबत की अगर बात करें तो वो पर्व भी वहीं से शुरुआत होती है. कई ऐसे सेलिब्रेशन जो है बड़कस चौक में अक्सर मनाए जाते हैं. धार्मिक भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई है और उत्साहपूर्ण वातावरण में यहाँ पर सभी कार्यक्रम होते हैं. जैसे कि आज नागपुर के दर्शक, हमारे बीसीएन के दर्शक यहाँ से देख रहे हैं कि बड़कस चौक में आज के इस मौके पर जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से किया गया. जी बिल्कुल, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि पटाखों की बेहतरीन आतिशबाजी यहां पर नागपुर के आसमान में देखने को मिल रही है. सर, कुछ लोग यहां पर संदल की धुन पे नाच रहे तो डीजे लग चुका है. लोग अपने आप में नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि बड़े उत्साह और माहौल के साथ में यहाँ पे हजारों लोग मौजूद है. जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस साल COVID-19 के चक्कर चलते रामनवमी का उत्सव मना नहीं पाए थे, तो आज इस मौके पर जो है कहीं ना कहीं रामनवमी का जो उत्सव मनाने की कसर बाकी रह गई थी उसको भी पूरी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं. संजय बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कई दिनों से ये बात लोगों के दिल में थी कि शिलान्यास होना चाहिए राम मंदिर का. जो अयोध्या में राम लला की जो राम मूर्ति थी, जो जगह थी, वहाँ मंदिर बनना चाहिए, ये लोगों की मांग थी. 5 साल तक देश के सुप्रीम कोर्ट में ये केस चली, आखिरकार वक्फ बोर्ड और अयोध्या प्रबंधन को, अयोध्या समिति को ये जगह मुहैया करवा दी, जिसके चलते आज शिलान्यास किया गया है और लोग बड़ी संख्या में आए हुए. अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए ऊपर से गुलाब के दृश्य आप देख सकते हैं रत्नाकर सर. जी बिल्कुल, आपके दृश्य बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है. तमाम दर्शक जो है इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है बड़कस चौक से ये जो है आतिशबाजी के साथ में. बिल्कुल सर, इसी चौराहे इसी चौक पे दही हांडी भी होती थी. जी माहौल था ऐसा, मानो लोगों को लग रहा है ये कहीं ना कहीं दही हांडी का उत्सव तो नहीं है, क्योंकि स्पेशल या गुलाल बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों को अबीर लगाया जा रहा है और एक प्यार की सौगात होती है, प्रेम बढ़ता है, बारिश भी धीरे धीरे ऊपर से आ रही है सर. बिल्कुल, आप जो दृश्य हमें हम वहां पर देख रहे हैं कि सभी जनता जो है वहां के जो नागरिक है पूरी तरह से अपने आप को भूलकर जो है राम नाम में तल्लीन हो चुकी है और एक जल्लोष पूर्ण वातावरण वहां पर देखने को मिल रहा है. संजय बिल्कुल सर, लोग पूरी तरह से सराबोर हो चुके हैं, लोग डूब चुके हैं राम लला जय श्री राम के नारों से. पूरा क्षेत्र भूल चुका है, हर किसी के दिल में, हर किसी के नफरत में इस समय में राम ही राम नजर आ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपके वहाँ के रिपोर्टिंग के लिए. आप वहीं पर बने रहे, फिर से हम आपसे जुड़ते हैं. इस वक्त हम दर्शकों को बता देते कि ये थे संजय मीरे जी हमारे साथ में, जो हमें बड़कस चौक में होने वाली गतिविधियों से अवगत करा रहे थे. मौका था, मौका है, राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो अयोध्या में हुआ है आज दोपहर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, उसका ये आज ऐतिहासिक साक्ष्य ऐतिहासिक प्रमाण है. दर्शकगण देख पा रहे हैं कि बड़कस चौक में कितना पटाखों की आतिशबाजी के साथ में भी जो है वातावरण पूरा जल्लोषित है, उत्साह चरम पर है इस वक्त नागपुर वासियों का.
तो इस तरह की तस्वीरें जो है हमारे दर्शक इनविजन के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय मीरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ में वहां पे मौजूद है और आज का ये दिन सचमुच एक ऐतिहासिक साक्ष्य बन गया है पूरे भारत के लिए, नागपुर के लिए भी। संजय जी फिर से हम आपसे जुड़ते हैं थोड़ी देर के बाद में, फिर हम आपसे बात करेंगे आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या किस तरह का जल्लोष वहां पर होता है, उसके लिए फिर हम आपके साथ में हाजिर होते हैं। फिलहाल हम रुकेंगे इस कार्यक्रम में, आगे की खबरों के लिए आप दर्शकों से अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ में इन विषय न्यूज पर। धन्यवाद संजय।